बूंदी जिले के इंदरगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 10 किलो गांजा के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए कोटा दौसा मेगा हाईवे लाखेरी रोड स्थित पीर बाबा की मजार के पास 10 किलो गांजा सहित मोटरसाइकिल सवार 3 जनों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त करके NDPC में मामला दर्ज किया है। तीनों आरोपी विष्णु पुत्र कन्हैयालाल निवासी महापुरा, गुल्लू पुत्र भगवान दास माली निवासी अनघौरा, राजेश पुत्र नंद किशोर बोहरा ग्रिसपार करघनी जयपुर के निवासी हैं। उक्त तीनों मोटरसाइकिल से इंद्रगढ़ से लाखेरी की ओर जा रहे थे। पीर बाबा की मजार के पास तलाशी के दौरान इनके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी FIR दर्ज कर अनुसंधान गेंडोली थानाधिकारी विजय सिंह कुंतक करेंगे। कार्यवाही में थानाधिकारी राजेश मीना, हेड कांस्टेबल विजेंद्र चौधरी, हेड कांस्टेबल भोजाराम, आरक्षक सूचना संदीप चौधरी, कांस्टेबल राजेश चौधरी शामिल रहे। राजस्थान बूंदी से हनुमान गौड़ की रिपोर्ट। कल दिनांक 5/7/2021 को शाम के समय मनोसचिव में जापता के नाकाबंदी कर रहे थे हम लोग, 500 मेगा ये थे पीर बाबा की मजार के पास में। तो वहाँ पर कुछ अवे 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल में सामने से आए, जो पुलिस को देख के बाबंदी उधर भगने का प्रयास किया। जिनको सस्पेक्ट होने से हमने राउंड अप किया, जिनकी तलाशी ली गई, तो तलाशी में उनके पास अवैध मादक पदार्थ गांजा करीबन 10 किलो मिला, जिसको हमने दस्तयाब किया। दस्तयाब करने के बाद में तीनों मुलजिमानों को अरेस्ट किया और उनके खिलाफ NDPS में प्रकरण दर्ज किया गया। ये अभियान अवैध मादक पदार्थों का श्रीमान SP साहब IG साहब द्वारा भी राज्य स्तर पर चलाए जा रहे हैं, उसके तहत काफ़ी